गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओपन योर कंप्यूटर नॉलेज वर्कबुक एंड गो ऑन पेज नंबर 5। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हमारा कंप्यूटर का सेकेंड लेसन देखने वाले हैं और जिसका नाम है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या उपयोग है, इनकी जानकारी हम इस लेसन में लेने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा लेसन था उसमें हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानकारी ली थी, जो सबने वीडियो देखा है। उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर एक तो मशीन है जो कि वेरी फास्ट काम कर सकती है, बहुत तेज़ी से। कंप्यूटर किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करता है और हमारा काम इजी बनाने का काम कंप्यूटर करता है। और कंप्यूटर के मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें सेव रखी जा सकती है। सो ये कंप्यूटर जो है कोई एक वस्तु नहीं है, जैसे हमारे घर पे टीवी होता है। सो टीवी मतलब एक आजकल फ्लैट टीवी है, तो टीवी हमको सबको पता है। लेकिन कंप्यूटर मीन्स ऐसा नहीं कि कोई एक वस्तु, एक सेट है, वो डिवाइस का सेट है जिसमें क्या क्या होता है। पिक्चर में आप देख रहे हो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। इसके अलावा प्रिंटर, जॉयस्टिक, इस तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं। जनरली कंप्यूटर सिस्टम इन फोर इसको मिला के कहते हैं, फोर डिवाइसेस को मिला के कहते हैं। कीबोर्ड टाइप करने का काम करता है, हमें पता है। मॉनिटर में हम देख सकते हैं, टीवी जैसा, टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। सीपीयू में टोटल प्रोसेस होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का। और ये माउस है, क्लिकिंग का काम करता है। सो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानकारी लेने के बाद आज हम देखने वाले हैं कि हम कंप्यूटर की क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदे है, क्या उपयोग है। सो सेकेंड लेसन देखेंगे, लेट्स स्टार्ट। देखिए, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यूज मीन्स उपयोग। जैसे हमारे घर पर टीवी होता है, टीवी पर हम क्या करते हैं, हमारी पसंद की सीरियल्स देखते हैं, कोई मूवी पसंद की है सिनेमा देखते हैं, मूवी देखते हैं, है ना, न्यूज़ देखते हैं। लेकिन टीवी का जो काम होता है ओनली एंटरटेनमेंट है, नॉलेज थोड़ी बहुत मिलती है। लेकिन जो कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं, कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं, कंप्यूटर में जिस तरह से आज के एंड्रॉयड मोबाइल्स है उसी तरह से कंप्यूटर उसका ही एक वर्जन है। कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स है, प्रकार है, जो आप नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। लेकिन कंप्यूटर के यूज़ कौन से है वो देखेंगे। सबसे पहले, फर्स्ट, अ कंप्यूटर कैन राइट, ये पहले इसमें देख सकते हो, ए बी सी डी टाइप किया वाला है। कंप्यूटर में हम लिख सकते हैं, जब हमें कुछ नोट्स निकालने होते, जिस तरह से हम नोटबुक में लिखते हैं, हमारे नोटबुक में लिखते हैं 2 लाइन के 4 लाइन के, उसी तरह से कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी हम कीबोर्ड के ज़रिए लिख सकते हैं और वो सेव रख सकते हैं कितने भी दिनों के लिए मेमोरी में। जैसे मोबाइल में मेमोरी होती है, उसी तरह से मेमोरी किस में होती है, हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के सीपीयू में, उसमें हम फाइल बना के सेव कर सकते हैं। जब चाहे हम उसकी हार्ड कॉपी, प्रिंटआउट भी प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हैं। हमारा कोई लेसन है, हमने होमवर्क सॉल्व किया है, तो हम टाइप करके सेव करके रख सकते हैं। मीन्स अ कंप्यूटर कैन राइट, ये कंप्यूटर का पहला उपयोग है, यूज है, लिख सकते हैं हम कंप्यूटर की मदद से। अ कंप्यूटर कैन ड्रॉ, कंप्यूटर में एक फंक्शन होता है पेंट का, एक एप्लीकेशन होता है, उसमें हमने प्रैक्टिस भी की है कंप्यूटर के लैब में। मॉनिटर पर लेफ्ट साइड में एक स्टार्ट का बटन होता है, उसको क्लिक करने के बाद एक कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें वर्ड, एक्सेल, पेंट, इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। पेंट को जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें पेंसिल, कलर पेंसिल्स, इरेजर, मैग्नीफायर, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्टैंटिंग लाइन, इस तरह के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसके ज़रिए हम कलरफुल पिक्चर कंप्यूटर में ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला उपयोग था कंप्यूटर कैन राइट, कंप्यूटर कैन ड्रॉ। जैसे हम ड्राइंग के नोटबुक में, ड्राइंग के बुक में पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसी तरह का पिक्चर हम कंप्यूटर पर भी माउस के ज़रिए निकाल सकते हैं। ये कंप्यूटर का सेकंड यूज़ है।
थर्ड, अ कंप्यूटर कैन डू सम्स. आपने कैलकुलेटर देखा होगा, अगर एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है तो किराना दुकानदार, मेडिकल पर उसका यूज़ करते हैं. हमारे घर पे भी बड़ा हिसाब करना है समझो तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, जो कि छोटा सा पॉकेट में भी बैठ सकता है. यही काम हम कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं और विदाउट एनी मिस्टेक, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण वो मिस्टेक नहीं करता. कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी टाइप ऑफ मिस्टेक बिकॉज कंप्यूटर इज मशीन एंड इट वर्क्स वेरी फास्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड वी हैव लर्न्ड इट इन फर्स्ट लेसन. पहले लेसन में हमने देखा भी था. सो कंप्यूटर डू सम्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के मल्टी ऑपरेशंस, मैथ ऑपरेशंस वो कर सकते हैं. अ कंप्यूटर हेल्प्स टू प्ले गेम्स. हम एंड्रॉयड मोबाइल में आजकल गेम्स खेलते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर पर, बड़े स्क्रीन पर हम गेम खेल सकते हैं. कोई भी गेम इंस्टॉल करके उसमें हम जॉयस्टिक के थ्रू खेल सकते हैं. अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट राइट एरो के ज़रिए हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं गेम को, और कंप्यूटर पर गेम भी खेल सकते हैं. देन फिफ्थ यूज़ है, अ कंप्यूटर हेल्प्स टू लिसन टू म्यूज़िक. अगर हमने कंप्यूटर के सीपीयू में जो मेमोरी रहती है, हार्ड डिस्क रहती है, उसमें कुछ सॉन्ग्स, अच्छा म्यूज़िक डाउनलोड किया, सेव करके रखा, तो हम कंप्यूटर पर स्पीकर लगाने पर म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं. अ कंप्यूटर हेल्प्स टू लिसन टू म्यूज़िक. एंड सिक्स यूज है, अ कंप्यूटर हेल्प्स टू वॉच कार्टून्स, फिल्म एंड मूवीज़. कार्टून, फिल्म्स, मूवीज़ जो होते हैं वो हम कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं. सो टोटल ये सिक्स यूज़ आपको बताए हैं. इसके अलावा भी कंप्यूटर के अलग अलग यूज़ हैं. ऐसा नहीं है कि इन सिक्स यूज़ के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है. अलग अलग तरह के कंप्यूटर अलग अलग जगह पर इन्वेंशन के लिए साइंटिस्ट उनका यूज़ करते हैं, है ना. सो आपके लिए हमारे यहाँ पर कौन से यूज़ दिए हैं. There are six uses of computer. A computer can write, computer लिख सकता है. A computer can draw, computer पर drawing की जा सकती है. A computer can do sums, addition कर सकते हैं. A computer helps to play games, games भी खेल सकते हैं. A computer helps listen to music, computer पर music भी सुन सकते हैं. A computer helps to watch cartoon films and movies. फिल्म्स, मूवीज़ भी हम कंप्यूटर पर देख सकते हैं. समझ में आया बच्चों, इतना यूज़फुल कंप्यूटर है हमारे लिए. और आजकल हर एक ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में या घर पर भी हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं. हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल्स है वो भी कंप्यूटर से कम नहीं है, उन पर भी ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. कैलकुलेटर भी रहता है उसमें. ओनली ड्राइंग वगैरह हम नहीं कर सकते, गेम भी खेल सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और कार्टून, फिल्म्स, मूवीज़ भी देख सकते हैं. सो कंप्यूटर के ये यूज़ है और इसलिए हम कंप्यूटर हमारे घर पे भी लाते हैं. ऑफिस में तो उनका बहुत काम होता है, अलग अलग कामों के लिए उनका यूज़ किया जाता है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर. आपको ये लर्न करने हैं अच्छी तरह से एग्ज़ाम में लिखने के लिए. ओके, अभी सिक्स नंबर के पेज पर, नेक्स्ट पेज पर कुछ एक्सरसाइजें देखेंगे. राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको वन टू, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं. कंप्यूटर की यूज़ है वो. आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, आपको कॉपी करना है, रीड एंड राइट एज इट इज़. आपको फोर लाइन्स का यूज़ करके आपको आपके वर्कबुक पर पेज नंबर सिक्स पर ये लिखना है. ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, आपके प्रैक्टिस के लिए लर्न हो जाए इसलिए प्रैक्टिस है ये. जैसे अ कंप्यूटर कैन राइट, आपको सेम कैपिटल ए ऊपर के थ्री लाइन में निकलना है. कंप्यूटर कैन राइट हमने लिखा है, जहाँ यहाँ पर जैसे हमने लेटर्स लिखे है ठीक उसी तरह से लेटर्स आपको लिखना है. सी मिडल के टू लाइन में आना चाहिए, ओ मिडल में, एम मिडल में, पी मिडल में और उसका जो स्ट्रेट लाइन है वो नीचे की लाइन में, यू टी की स्ट्रेट लाइन ऊपर जानी चाहिए, ई आर. आपको केयरफुली हर एक लेटर देखना है और फोर लाइन का यूज़ करके यहाँ पर लिखना है. ओनली प्रैक्टिस के लिए है. अ कंप्यूटर कैन राइट.
सेकेंड है अ कंप्यूटर कैन ड्रॉ, अ कंप्यूटर कैन डू सम्स, अ कंप्यूटर हेल्प्स टू प्ले गेम्स, अ कंप्यूटर हेल्प्स टू लिसन टू म्यूजिक, अ कंप्यूटर हेल्प्स टू वॉच कार्टून फिल्म्स एंड मूवीज. दिस ऑल वर्क यू हैव टू डू इन योर वर्कबुक ऑन पेज नंबर 6. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.